नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी महिपाल भारद्वाज ने गुरुवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। भारद्वाज ने संबंधित अधिकारियों को फोन पर निर्देशित किया और जल्द ही समाधान को लेकर दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई में जोधपुर और आसपास के जिलों के गांव में भी लोग पहुंचे और अपनी अपनी समस्याएं ओएसडी के समक्ष रखी। इसमें भूमि विवाद, क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या, पेंशन योजना, चिकित्सा सेवाएं सहित जनहित के कार्यों को लेकर फरियादी उनसे मिले। इस दौरान जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी भी सर्किट हाउस पहुंचे और उन्हें बताया समय पर पेंशन नहीं मिलने को लेकर शिकायत की। बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि गुरुवार को जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहरवासियों से कोविड के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और सरकार की जो भी गाइडलाइंस जारी हो उसकी पालना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जोधपुर में ओमिक्रॉन के कोई केस नहीं आए। हम सतर्क हैं और सभी नागरिकों से यही अपील करते हैं कि वह इस महामारी के समय सावधानी के साथ खुद भी बचे और औरों को भी बचाए। आप सभी को पता ही है कि तीन फेजेस या तीन लहरें जो हैं कोविड की जोधपुर में क्या पूरे राजस्थान क्या पूरे इंडिया में आ चुकी हैं। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा जोधपुर के सभी निवासियों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस आएंगी कोविड के संबंध में उसको हम हमारे जो नागरिक बंधु हैं, गणमान्य नागरिक हैं, उन सबसे हम शेयर कर देंगे और अपेक्षा करेंगे कि उसकी पालना करेंगे। सभी अस्पतालों में किस तरह से सतर्कता क्या तक हमारे पास ओमिक्रॉन का भी ऐसे केस कोई डिटेक्टेड नहीं आया है, पर फिर भी कुछ होगा या कोई ऐसी जानकारी आती है तो हम सतर्क हैं। विशेष रूप से मैं आपके माध्यम से हमारे जो नागरिक बंधु हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। अभी टूरिज्म सीजन है सर, तो विदेशी पर्यटक भी बहुत आ रहे हैं। कोविड तो टूरिज्म में पर जो जैसी स्थिति बनती है उस हिसाब से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जोधपुर देहाती यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की ओर कूच किया। सर्किट हाउस से पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ ने हरी झंडी दिखाकर कार्यकर्ताओं को रवाना किया। कार्यकर्ता बस के माध्यम से दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी का दिल्ली में स्वागत करेंगे। चाहता हूँ, मोदी जी डर गए वो मर गए। ये समय लो, मोदी जी चाहते है की ये यात्रा बंद हो जाए तो ठीक है, नहीं हमारे खतरा खाली नहीं है। जो राहुल गांधी जी के प्रति लोगों का लगाव है, जबरदस्त लगाव है, इसलिए राहुल गांधी जी चल रहे हैं। मोदी जी सोच रहे हैं इसको इस नाव से मैं बंद करवा दूँ। मोदी जी को भी मैं कहना चाहता हूँ ये यात्रा ऐसे ही चलेगी, कोई कोरोना यहाँ आएगा नहीं। राजस्थान में ऐसे ही कोरोना है नहीं। आज ये मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, आप थोड़ा धैर्य रखें, आने वाला समय बता देगा आपको क्या क्या करना है। ठीक, जिलाध्यक्ष भाई रामनिवास जी बुद्धकर के नेतृत्व में युवाओं की समस्त युवा कार्यकर्ता कांग्रेस के हम दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ राहुल जी गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में कल सुबह प्रवेश करेगी और हम रामनिवास जी के नेतृत्व में जोधपुर से समस्त टीम दिल्ली जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल जी गांधी की जो एक ऐतिहासिक यात्रा निकल रही है, इसे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। वो कोरोना का नाम लेकर इस यात्रा को रोकना चाहते हैं, लेकिन पूरे देश ने ये ठान लिया, युवाओं ने ये ठान लिया कि यात्रा रुकने वाली नहीं है। अब देश में परिवर्तन की आंधी चलने वाली है। राहुल जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन की आंधी देश में शुरू हुई है वो परिवर्तन होकर ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जन आक्रोश रैली तो निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस को जो पैदल यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसका विरोध कर रही है, ये इस तरीके से गलत है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं उनको, और राहुल जी गांधी को वो रोक रहे हैं, जन आक्रोश रैलियां कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रामनिवास जी के नेतृत्व में जो हम दिल्ली युवा कार्यकर्ता जा रहे हैं, हमारी यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और दिल्ली के अंदर हम कल सुबह प्रवेश करेंगे। दिल्ली में राहुल जी गांधी की यात्रा कल सुबह प्रवेश करेगी, वहाँ राहुल जी की यात्रा का हम रामनिवास जी के नेतृत्व में स्वागत करेंगे। बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि जोधपुर में डीआरएम ऑफिस के पीछे झाड़ियों में लगी आग धीरे धीरे बढ़ने लगी और लपटे उठने लगी। वहीं जिसको देखते हुए फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिससे विद्युत आपूर्ति को रोक कर आग पर काबू पाया। अब बताया भैया, मेरा नाम धीरज राकावत है, मैं सहायक फायर ब्रिगेड में कार्य करता हूँ, फायरमैन पद पर कार्य करता हूँ। सूचना मिलने पर
कमिश्नरेट ऑफिस के पीछे वो लोग झाड़ियों में आ गए। तो सर यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो झाड़ियों में ज़्यादा आग थी, दो गाड़ी हमने आग कंट्रोल की। और जब हम आग कंट्रोल कर रहे थे तो उससे पहले जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने सभी से पूछा यहाँ पर कि करंट की कोई लाइन तो नहीं है या कुछ है तो नहीं। उन्होंने बोला सब कोई भी लाइन नहीं है और सब लाइनें बंद है। तो हम जब कार्य कर रहे थे और आग बुझा रहे थे तब करंट का हल्का सा झटका महसूस हुआ तो मैं पीछे हो गया, और पीछे होने के बाद 5 या 7 सेकंड के बाद मैं वहाँ पर तेज़ धमाका हुआ, तेज़ धमाके के बाद वहाँ विस्फोट होने लग गया और आग और ज़्यादा बढ़ गई। और रेलवे अधिकारी उन सब ने बोला कि यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है। और ये है सर आग लगने का मुख्य कारण सर शॉर्ट सर्किट लगता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा हुआ था सर वहाँ। सर आपने बचाव किस तरह करा और आपको किस तरह सर? मेरे हल्का सा झटका आया वहाँ पे, थोड़ा सा वो करंट का स्पार्क हुआ तो मेरे को लगा सर, तभी मैं हाथों हाथ नोजल छोड़ के पीछे हो गया। पीछे हो के मैंने मेरे साहब को और फ़ोन किया, तब मेरे सब साहब और सब पहुंच गए। हमने लकड़ में आग लगी है, ट्रैक पास में, ट्रैक में भी झाड़ियों में आग है। किस कारणवश लगी है आग? ये मालूम नहीं है, अज्ञात है। अभी सर शॉर्ट सर्किट में आवा कुछ कर्मचारी अभी हुआ ये मालूम चला, अंडरग्राउंड लाइन है और ये चेक होने के बाद ही वापस कार्रवाई शुरू करेंगे। सर यहाँ पे कुछ कर्मचारी भी इसके चपेट में आ सकते थे, क्या कारण रहा कुछ? ये कारण तो आपको मालूम है, खुद हमको मालूम नहीं, अज्ञात है कारण। आपका नाम सर? हेमराज शर्मा, एफओ। बड़ी खबर के साथ मैं आपको बता दें कि मौसम में बदलाव के चलते सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई और शहर में आज सुबह सर्दी का मौसम होने लगा है और हल्की धुंध छाई लोगों के अलाव का सहारा लेकर ठिठुरन मिटाने का प्रयास किया।